हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं वेज चाउमीन नूडल्स, जो कि फटाफट 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज चाउमीन नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पर एक पतीले में मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब इस पानी को उबाल आने के बाद हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। इसमें मैंने चाउमीन के 2 टुकड़े किए हैं। अब इसे हम बीच में एक बार मिक्स कर देंगे। फिर एक बार चाउमीन्स को अच्छे से खुला कर लेंगे ताकि वो अच्छे से पके। हमें चाउमीन्स को पूरा पकाना नहीं है, लगभग 80% हमें उन्हें कुक करना है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारे नूडल्स 80% कुक हो गए हैं। अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ पर मैंने एक छन्नी में नूडल्स को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मैंने 1 गिलास ठंडा पानी डाला है और ऊपर से हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और अच्छे से खुला खुला कर देना है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स लिए हैं, और एक प्याज, अदरक, मिर्च और लहसुन लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में तेल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च, लहसुन, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं डालूँगी कटी हुई प्याज। इन तीनों चीज़ों को हमें 1 मिनट तक अच्छे से बड़ी आंच पर भून लेना है। 1 मिनट हो जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक। अदरक को भी हमें 1/2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि उसकी कच्ची महक चली जाए। अब इसमें मैंने गोभी, गाजर, बीन्स डाल दी है। अब इन वेजिटेबल्स को भी हमें 1 मिनट तक अच्छे से उसकी कच्ची महक जाने तक पका लेना है। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च को भी हमें 1/2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। सारी वेजिटेबल्स अच्छे से भून जाने के बाद और उनका कच्चापन निकल जाने के बाद यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस लिया है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने रेड चिल्ली सॉस लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डाला है और 1 चम्मच केचप डाला है। अब इन सारे सॉस को भी हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है। विनेगर से चाउमीन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अब इसमें मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। नूडल्स को भी हमें इस तरह पूरे वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाला है। नमक को भी नूडल्स में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद देखिए, तैयार है हमारे टेस्टी नूडल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।